उत्तर प्रदेश की जहां अमरोहा जनपद की थाना सैरनगली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश फरमान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगने से सिपाही अतुल भी हुआ घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए हसनपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना सैरनगली पुलिस संभल हसनपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार दो लोगों को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। कुछ दूर चलकर मुठभेड़ शुरू हो गई और उसके बाद पता चला कि यह 20,000 का इनामी बदमाश है और इस बदमाश के ऊपर गौ तस्करी और अन्य आपराधिक वारदातों के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर से सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस पार्टी ने फरमान को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, मगर फरमान और उसके साथी ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से हुई गोलीबारी में फरहान के पैर में चोट लगी और वह घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। पुलिस ने फरार साथी को पकड़ने के लिए जद्दोजहद की। इस बीच मुठभेड़ के दौरान सिपाही अतुल के भी गोली लग गई, जिसकी वजह से वह भी घायल हो गया। आनन फानन में दोनों घायलों को हसनपुर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। पुलिस ने फरमान के पास से एक तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया है। बदमाश पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही मौके पर निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक विपिन टांडा भी पहुंचे। थाना सैरनगली में आज शाम को चेकिंग के दौरान दो अपराधियों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर कि वो नहीं रुके। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगी है। एक अपराधी भागने में सफल हुआ है, जिसकी कॉम्बिंग चल रही है। और जो अपराधी पकड़ा गया है उसका नाम फरमान है और इसका पूर्व में हमारे जनपद से 3 मामलों में वांछित था, गौ हत्या गौवध के मामलों में। इस पर ₹20,000 का इनाम भी था और इस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं पूर्व के, और इसकी पुलिस को काफ़ी समय से तलाश थी। जिनके साथी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मिला है इसमें? तमंचा जी, इनके पास से एक बाइक मिली है और एक तमंचा मिला है। जो बाइक है उसकी तस्दीक करवाई जा रही है और जो तमंचा है उसको पुलिस ने अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है और उसका कार्रवाई की जा रही है। अच्छा सर, जाने वाला कहाँ कहाँ से है? जी, ये जो अपराधी पकड़ा गया है इसने अपना नाम फरमान बताया है। यह थाना आदमपुर के 3 मुकदमों वांछित है। अच्छा गौ तस्कर है और इस पर ₹20,000 का इनाम है अमरोहा पुलिस की तरफ से। ये रहने वाला हयात नगर संभल का है और ये काफी गौ तस्करी में लिप्त रहा है। इनके साथी हैं अन्य, जिनके बारे में पुलिस अभी जानकारी कर रही है। पूर्व में इसके कुछ साथी हमारे द्वारा जेल भी भेजे गए हैं, इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। अच्छा, क्या निकल कर आया? किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था क्या? जी, ये काफी समय से यहाँ पर इसके क्षेत्र में एक्टिव होने की सूचना थी और इसके साथियों इसके साथ में कुछ घटनाएं करने की भी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इसके बारे में काफी सूचना संकलन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा और आज भी ये कोई आपराधिक गतिविधि करने के लिए ही क्षेत्र में घूम रहा था, जब ये हथियार के साथ में घूम रहा था, जिस पर कि पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। इन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाबी कार्रवाई में इस अपराधी को एक गोली लगी है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। एक सिपाही भी घायल है, उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। दोनों को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।